शूद्रक में संगीत विषयक उल्लेख। शूद्रक के नाम से संस्कृत साहित्य में मृच्छकटिक नामक नाटक विख्यात है। यद्यपि इस कृति के कृतित्व तथा तिथि के संबंध में पर्याप्त मतभेद हैं, तथापि बहुमत इसको शूद्रक की कृति मानने के पक्ष में है। ईसवी आरंभिक शताब्दियों की अथवा उससे कुछ पूर्व की होने के कारण प्रस्तुत प्रबंध में तदंतर्गत संगीत विषयक उपादानों को निम्न संकलित किया जा रहा है। नाटक की कथा वस्तु का सूत्रपात ही संगीत से हुआ है। आरंभिक संगीत का कार्यकुशल कुशीलवों के द्वारा अभिष्ट मानकर सूत्रधार संगीत शाला पर दृष्टिपात करता है। नटों के अनुपस्थित होने के कारण स्वयं पर्याप्त समय तक संगीत उपस्थित करता है। कृतम च संगीतकम मया। तृतीय अंक में शास्त्रीय संगीत का रुचिर वर्णन उपलब्ध है। रात्रि के समय चारुदत्त गांधर्व सुनने के लिए रेभिल नामक श्रेष्ठ के घर जाता है। कापि वेलार्य चारुदत्तस्य गांधर्व श्रोतुम गतस्य। रेभिल स्वयं सिद्ध हस्त गायक है और वीणा के साथ भावपूर्ण संगीत प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में गांधर्व के गुणों का उत्कृष्ट विवेचन शूद्रक ने इन श्लोकों में किया है। रक्तम च नाम मधुरम च समम स्फुटम च भावान्विति च ललितम च मनोहरम च किं वा प्रशस्त वचने बहुभिम तदुक्ते रंतरहिता यदि भवेदनी नेति मन्ये। गांधर्व का सांगोपांग एवं सहृदय वर्णन इस श्लोक में पाया जाता है। तम तस्य स्वर समक्रमम मृदुगिरम श्लिष्टम च तंत्रिस्वनम वर्णा नामपि मूर्छना अंतरगतम तारम विरामे मृदुम हेला संयमितम पुनश्च ललितम रागद्विरुच्चारितम यत् सत्यम विरतेऽपि गीत समये गच्छामि शृणु वन्यव। संगीत के अंतर्गत स्वर संक्रम मृदु मंजुल शब्द रचना वीणा की संश्लिष्ट अर्थात गीत से एकात्म ध्वनि मूर्छना के अंतर्गत वर्णों का प्रयोग जिसमें तार से आरंभ कर मृदु पर अवसान है सलील एवं संयमित गान लालित्य तथा विशिष्ट राग के अंतर्गत स्वरों का आवर्ति पूर्वक उच्चारण सभी गांधर्व के श्रेष्ठ गुणों में से हैं। यह विवरण इस तथ्य का परिचायक है कि नाटककार को संगीत की सूक्ष्मता का ज्ञान है तथा स्वर वर्ण मूर्छना स्थान तथा राग जैसे पारिभाषिक शब्दों का उनसे परिचय है। शूद्रक के समय नाटक के आरंभ में संगीत गान की परिपाटी प्रचलित थी, यह हम पहले ही बता चुके हैं। संगीत शाला के अंतर्गत संगीत तथा नाट्य दोनों कलाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसी संगीत शालाएं किन्हीं श्रीमान रसिकों की छत्र छाया में परिवर्धित होती थीं, तथा इनमें विद्यादानार्थ सुयोग्य कलाचार्यों को नियुक्त किया जाता था। यह बात संदेहास्पद नहीं। मृच्छकटिकम का सूत्रधार जब अपनी संगीत शाला को शून्य देखता है तब अपने दारिद्र्य का स्मरण कर लेता है। अये शून्येय मस मत संगीत शाला कम नुगताः कुशीलवा भविष्यन्ति विचिन्त्यत् आम ज्ञातम् मूर्खस्य देशः शून्याः सर्वशून्यम् दरिद्र्यसः। नाट्याचार्यों के भवन का वर्णन करते हुए शूद्रक ने मृदंग दर्दुर पणव वीणा तथा वंश इत्यादि तत्कालीन वाद्यों का उल्लेख भी किया है। समन्तादवलोक्य अये कथम मृदंगः अयम दर्दुरः अयम पणवः इयमपि वीणा एते वंशाः अमी पुस्तकाः
कथम नाट्याचार्यस्य गृहमिदम्? पेज 271। तत्कालीन वीणा तथा वेणु का आकार प्रकार इस उक्ति से ज्ञात होता है। वंशम वादयामि सप्तच्छद्रम वीणाम वादयामि सप्ततंत्रिम नदंतीम। स्पष्ट है कि उस समय सप्ततंत्री वीणा के साथ सप्तछिद्रा वंशी का प्रचलन भी था। वीणा के अन्य प्रकार में वादन अंगुलियों अथवा नखों के आश्रय से किया जाता था। वीणा तंत्रियों का वादन सारणा कहलाता था। इयं परा ईश्या प्रणय कुपितम कामिनीव अंकारोपिता कररुह परामर्शेण सार्यते वीणा। वीणा वादन कोण जैसे वादन दंड से किए जाने का उल्लेख शूद्र की इस उक्ति में उपलब्ध है। संगीत वीणा इव ताड्यमानम तालानुसारेण पतंति धाराः। अवंति की वार विलासिनी वासवदत्ता के भवन के वर्णन में सामूहिक संगीत का चित्र मुखर हो जाता है। कुछ युवतियां मृदंग बजा रही हैं, कुछ कांस्य ताल बजा रही हैं, एक वंशी बजा रही है, दूसरी वीणा वादन कर रही है, कुछ गणिकाएं गीत गा रही हैं, और कुछ अन्य युवतियों को नृत्य तथा नाट्य की शिक्षा दी जा रही है। वसंत सेना उत्कृष्ट नर्तिका है और भय से पलायन करने में भी उसकी नृत्य कुशलता का आभास मिलता है। किं त्वं भयेन परिवर्तित सौ कुमार्याम नृत्य प्रयोग विशदौ चरणौ क्षिपन्ति। नाटक का नायक चारुदत्त रसिक तथा संगीतज्ञ है। संगीत सभाओं में उपस्थित रहकर संगीत का सूक्ष्म रसास्वादन करने की पात्रता उसमें है। वह संगीतज्ञ तो है ही, स्वयं कलाकार भी है। उसके गृह में संगीत के समस्त वाद्यों का संग्रह है, जिसको देखकर शर्विलक को आशंका होती है कि वह किसी नाट्याचार्य का गृह हो। संगीत उसके जीवन का बहिश्चर प्राण ही है। जलवृष्टि के वर्णन में उसे वीणा की ध्वनि का स्मरण हो आता है तथा जल गिरने की ध्वनि से संगीत की तार तथा मंत्र ध्वनि का सहज स्मरण होता है। तालीषु तारम विटपेशु मंद्रम शिलासु रुक्षम सलिलेशु चंडम। पेज 272। बताए गए विवेचन से स्पष्ट है कि शूद्रक के समय में संगीत के अंतर्गत राग गायन का सूत्रपात हो चुका था तथा संगीत विषयक मीमांसा आरंभ हो चुकी थी। संगीत का नाट्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान था। वीणा के अंतर्गत दो प्रकार विद्यमान थे, एक दंड से बजाया जाने वाला तथा दूसरा नख से बजाया जाने वाला। सप्ततंत्री वीणा तथा सप्तछिद्रा वंशी का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त मृदंग पणव दर्दुर तथा कांस्य ताल जैसे वाद्यों का प्रचार था। समाज में संगीत के प्रति रसिकता विद्यमान थी। श्रीमान लोगों के घर पर संगीतायोजन हुआ करते थे, जिसमें रसिक नागरिक श्रवणार्थ जाया करते थे तथा कला का मार्मिक रसास्वादन करते थे। संगीत कला का अध्ययन सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में किया जाता था। प्रसंग पढ़ने पर जीविका निर्वाह के लिए उसका उपयोग किया जाता था। नाट्य व्यवसाय के लिए हीन भावना तत्कालीन समाज में थी। यह तथ्य नट भार्या की इस पंक्ति से स्पष्ट है। अस्मादृश्य जनयोग्येन ब्राह्मणेनोपमंत्रितेन। पेज 273। अध्याय नवम भरतकालीन संगीत। सा नाट्य शास्त्र में संगीत। री संगीत का टीका शास्त्र। ग संगीत के प्रवर्तक आचार्य।
नाट्य शास्त्र का स्वरूप एवं वैशिष्ट्य। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भरत का नाट्य शास्त्र नाट्य वेद के नाम से सम्मानित रहा है। नाट्य शास्त्र के अनुसार वह चार वेदों के अतिरिक्त पंचम तथा सर्वा वर्णिक है। भरत का नाट्य शास्त्र भारतीय साहित्य तथा संगीत का वृहत कोश है तथा दोनों के संबंध में प्राचीन एवं प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत करता है। रस, छंद, भाषा, वेशभूषा, रंगमंच, अभिनय, संगीत तथा नृत्य में से ऐसा कोई विषय नहीं जिसका विवरण इस ग्रंथ में ना हुआ हो। महत्व की बात यह है कि भारत की प्राचीन नाट्य कला पर प्रकाश डालने वाला यही एकमात्र ग्रंथ है तथा इसी के द्वारा प्रणीत परंपरा का परिपालन समस्त भारतवर्ष में अधुना भी किया जाता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार नाट्य कला अनादि सिद्ध है। नाट्यशास्त्र में इस कला को ब्रह्मोक्त माना गया है तथा भरत उसके आदिम प्रयोक्ता बताए गए हैं। नाट्य कला में संगीत के योगदान की बात भी अनादि है। नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में इंद्रध्वज नामक उत्सव के अवसर पर नाट्य प्रयोग किए जाने का उल्लेख है। इस प्रयोग में संगीत के लिए नारदारी गंधर्वों की वाद्य विधान के लिए स्वाति जैसे वाद्य विशारदों की तथा नृत्य के लिए अप्सराओं की योजना निर्दिष्ट है। नाट्य शास्त्र के स्वरूप एवं वैशिष्ट्य को हृदयंगम करने के लिए नाट्य तथा गांधर्व के परस्पर संबंध को देखना उपादेय ही नहीं अपितु आवश्यक है। नाट्य और गंधर्व। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत नाट्य तथा गंधर्व दोनों का विवरण प्रस्तुत हुआ है। भरत की एतद विषयक मान्यताओं से परिचित होने से पूर्व भरतोक्त नाट्य की व्याप्ति तथा नाट्य एवं गांधर्व के बीच विभेद को सम्यक जानना अभिष्ट है। पेज 274। अमरकोश ईस्वी 5 के अनुसार नाट्य के विविध अर्थों में नृत्य तथा तौर्यत्रिक सम्मिलित हैं। नाट्य शब्द जैसा तौर्यत्रिक अर्थात नृत्य गीत वाद्य के सामूहिक प्रयोग का बोधक है, वैसा ही तांडव तथा लास्यादि नृत्य प्रकारों के पर्याय स्वरूप उसका प्रयोग अमर कोशाकार को सम्मत है। सिद्धांत कौमुदी में नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से मानी गई है। नट का अर्थ है नृत्य करना तथा यह कार्य करने वाला व्यक्ति नट कहलाता है। नट नृतौ इत्थमेव पूर्वमपि पठितम् तत्त्रायम् विवेकः पूर्वं पठितस्य नाट्यमर्थम् यत् कारिषु नटव्यपदेशः। आदि भरत अथवा नाट्य सर्व स्वदीपिका के अनुसार नाट्य के अंतर्गत तांडव तथा लास्य का समावेश है और इसी के व्यवसायी जन नट कहलाते हैं। भरत संज्ञा इसी वर्ग के लिए है। कालिदास की कृतियों में नाट्य शब्द का प्रयोग नृत्य तथा रूपक प्रकार दोनों अर्थों में हुआ है। मालविका द्वारा प्रस्तुत चलित नामक नृत्य प्रकार नाट्य के नाम से संबोधित हैं। इसी नाटक में अन्यत्र नाटक शब्द का प्रयोग लोक चरितानुकरण के व्यापक अर्थ में किया गया है तथा इसी के अंग रूप में तांडव तथा लास्य नृत्यों का निर्देश किया गया है। नाट्य के समानार्थक रूप में तौर्यत्रिक संज्ञा भी पाई जाती है। तौर्यत्रिक रूप की सिद्धि वाद्य बोधक तूर्य शब्द से हुई है। तूर्य धन अण तूर्यों का समूह वस्तुतः तौर्यत्रिक है। नाट्य शास्त्र में तूर्य वृंद से युक्त वाद्य वादन में कुशल व्यक्ति को तौरिक कहा गया है। तूर्य परिग्रह युक्त विज्ञेय तौरिकौ नामा। भरत के अनुसार कुशीलव अर्थात नटों के लिए आत्योद्य विधान एवं आतोद्य प्रयोग में कुशल होना आवश्यक है। सूत्रधार के लिए आवश्यक गुणों में से एक है चतुर्विध आतोद्यों में कुशलता। आतोद्यों के अभिन्न साहचर्य के कारण नाट्य के लिए तौर्यत्रिक यह संज्ञा मूलतः प्रयुक्त की गई हो
यह मानना तर्क विरुद्ध नहीं। भारत के प्राचीन टीकाकार श्री हर्ष के अनुसार तौर्यत्रिक रंग अथवा रागात्मिकता का पर्याय है और नृत्य गीत वाद्य के इसी सामूहिक संयोजन के कारण नाटक के पूर्व रंग की संज्ञा सार्थक है। पेज 275 नाट्य शास्त्र को भवभूति ने तौर्यत्रिक सूत्र के नाम से संबोधित किया है। यह अभिधान नाट्य तथा तौर्यत्रिक की समानता का द्योतक माना जा सकता है, स्वरूपता का नहीं। निम्न विवरण से स्पष्ट होगा कि भरत की दृष्टि में तौर्यत्रिक नाट्य का केवल अंग मात्र है, उससे समव्यापी नहीं। भरत के अनुसार नट का कार्य ऐसे नाट्य का प्रयोग करना है जो चतुर्विध वाद्यों के सशास्त्र प्रयोग से युक्त हो। नट का कार्य है लोक वृतांत का रस भाव समन्वित अभिनय करना और इस कार्य के अंगभूत होने के नाते आतोद्यविद्धि का नाट्य में विशेष महत्व है। इसी रूप में आतोद्य विधि के निरूपण भरत ने किया है और उसी का स्पष्टीकरण के लिए गांधर्व का विवरण कुछ ही अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। भरतकालीन गांधर्व मुख्यतः गीत और आनुषंगिक रूप से वाद्य वादन की कला है। नाट्य शास्त्र से स्पष्ट है कि नृत्य कला गांधर्व से विभिन्न एवं स्वतंत्र कला है तथा नाट्य के लिए उपकारक होने के नाते गांधर्व के सदृश इसका प्रयोग भी अंग रूप में विहित है। भरत काल में संगीत केवल सम्यक गीत का पर्यायवाचक है, न कि गीत वाद्य नृत्य के समन्वित रूप का। संगीत का यही अर्थ संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ तक रूढ़ था, यह तथ्य उनकी इस व्याख्या से स्पष्ट है। ननु आविष्करोति संगीत रत्नाकर उद्दारधि इति प्रतिज्ञायाम संगीत शब्देन लोक प्रसिद्धया गीतस्येव ग्रंथ प्रतिपादनत्वं प्रतीयते न तु वाद्यनृत्योति। शंका परि जिहिर्षु संगीत शब्दार्थ माह। मध्यकालीन संगीत ग्रंथकारों के अनुसार संगीत स्वयं एक त्रयी है जिसमें गीत वाद्य तथा नृत्य तीनों कलाओं का समावेश है। उनकी यह कल्पना वस्तुतः तीनों के अभिन्न व्यावहारिक साहचर्य पर आधारित है, न कि सैद्धांतिक एकता पर। संभवतः इसी परिभाषा के कारण संगीत त्रयोत्रिक तथा नाट्य का पर्याय स्वरूप माना जाता है तथा नाट्य और संगीत के बीच की भेदक रेखा विस्मृत की जाती है। वस्तुतः संगीत शब्द की व्याप्ति भरत काल में गीत तक सीमित रही है। गीत वाद्य तथा नृत्य इस त्रयी का बोध उसमें कथमपि नहीं होता, यह तथ्य ध्यान देने योग्य है। पेज 276 भरतोक्ति नाट्य में केवल नाट्यांग के रूप में इन तीनों का प्रयोग विहित है, न कि स्वतंत्र रूप में, तथा इनके अतिरिक्त पाठ्य अभिनय आदि अन्य अंगों का तुल्य महत्व उसमें स्वीकृत है। नाट्य में अंतर्भूत होने वाले विषयों का परिगणन भरत के इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। रसाभावा अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवर्तया सिद्धि स्वरारस तथा तोद्यम गानम रंगम च संग्रह। अर्थात नाट्य संग्रह में रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति सिद्धि स्वर आतोद्य गान तथा रंग विषय ज्ञान का समावेश है। नाट्य वेद दृश्य तथा श्राव्य दोनों हैं तथा उसका निर्माण चतुर्वेदों से गृहित अन्य अन्य तत्वों से हुआ है। दृश्य तथा श्राव्य होने की बात केवल मात्र गीत वाद्य अथवा नृत्य पर चरितार्थ नहीं हो सकती, अपितु उसके समुच्चयात्मक प्रयोग को सार्थक करती है। नाट्य का पाठ्यांग ऋग्वेद से, गीतांग सामवेद से, अभिनयांग यजुर् से तथा रसांग अथर्व से ग्रहित किया गया है। इन्हीं चार अंगों से नाट्य का कलेवर निर्मित होता है। स्पष्ट है कि गांधर्व अथवा संगीत नाट्य केवल अंग मात्र हैं। नाट्य शास्त्र की इस उक्ति से स्पष्ट है कि नाट्य तथा गांधर्व भरत की दृष्टि में मूलतः भिन्न हैं। वेदोपवेदे संबद्धौ नाट्य वेदो महात्मना एवं भगवता सृष्टौ ब्रह्मणा ललितात्मकम्। अर्थात
नाट्य वेद की रचना वेद तथा उपवेद दोनों के आश्रय से हुई है। इन उपवेदों में गांधर्व का अंतर्भाव निसंदेह होने के कारण उसकी अपेक्षाकृत प्राचीनता तथा विभिन्नता दोनों स्वतः सिद्ध हैं। नाट्य शास्त्र में गांधर्व का जो कुछ विवरण उपलब्ध है वह स्वाति तथा नारद के प्राचीन लक्षण ग्रंथों पर आधारित होने की बात स्वयं भरत ने कही है। गांधर्वमेतत् कथितं मया हि यत् पूर्वमुक्तं तुह नारदेन। भरत की एक अन्य उक्ति सुनिए जिसमें नाट्य तथा गांधर्व का पार्थक्य स्पष्टतः बताया गया है। प्रशस्शास तथा राज्य देवीं व्युष्टिम वाप्नुवन गांधर्व चैव नाट्यम च दृष्ट्वा चिन्तामुपागतः। तथ्य ये है कि नाट्य में गांधर्व के बहुल प्रयोग से उसको गेयवेद माना जाने लगा। काव्य मीमांसा में उल्लिखित द्रोहिणी के मत में यही परस्पर प्रतिबिंबित हो रहा है। वेदोपवेदात्मा सार्ववर्णिकः पंचमो गेयवेदः इति द्रोहिणी। कल्लीनाथ इसी परंपरा के अभिव्यक्ति अपनी टीका में करते हैं। अयमे एव उपदेशेषु परिगणितश्च सामवेदस्योपवेदो गांधर्ववेद इति। नाट्यवेद एव गीत प्रधान्य विवक्षया गांधर्ववेद उच्यते। अभिनय प्रधान्य विवक्षया तु नाट्यवेद इत्युच्यते। कल्लीनाथ के अनुसार नाट्यवेद एवं गांधर्ववेद मूलतः अभिन्न है। अंतर है केवल बलाघात एसेंट का। गीत के प्राधान्य को लेकर वह गांधर्ववेद कहलाता है और अभिनय की प्रधानता को लक्ष्य कर वही नाट्यवेद कहलाता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि कल्लीनाथ का यह मत भरत की नाट्य विषय कल्पना से सुसंगत नहीं प्रतीत होता। जैसा बताया गया है कि भरत के अनुसार गांधर्व वेद नाट्यवेद से न केवल विभिन्न है अपितु प्राचीन भी है। भरत की नाट्य विषयक मान्यता अधिक स्पष्ट करने के लिए इस विवरण को सुनना उपादेय होगा। भरत के अनुसार नाट्य एक सम्मिश्र कला है जिसमें विशुद्ध गीत तथा नृत्य के अतिरिक्त अन्य कलाओं का समावेश है। भरत के शब्दों में न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न स विद्या न सा कला न स योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। सर्वशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च अस्मिन् नाट्ये समेतानि तस्मादे तन्मयाकृतम्। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य त्रैलोक्य के भावों का अनुकरण है और उसकी रंजकता इसी लोकानुकरण के साथ सन्निहित है। नाट्य के अंतर्गत समाविष्ट विषयों का भरतोक्त निरूपण सुनिए। त्रैलोक्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम क्वचित धर्मम क्वचित क्रीड़ा क्वचिदर्थ क्वचित क्षमा क्वचित दास्यम क्वचित युद्धम क्वचित कामः क्वचित युद्धः धर्मो धर्म प्रवर्तानाम कामः कामोपसेविनाम लोकवृत्तानुकरणम नाट्यमेतनमया कृतम उत्तमाधमम अध्यानाम नराणाम कर्म संशयम। सप्तद्वीपानुकरणम नाट्ये यस्मिन् प्रतिष्ठितम वेद विद्येतिहासानाम आख्यान परिकल्पनम देवितानां मृषीणां च राज्ञामथ कुटुंबिनां कृतानुकरणम लोके नाट्यम इत्यमभिधीयते। पेज 278। बताए गए इन श्लोकों से स्पष्ट है कि नाट्य अपनी विषय व्याप्ति की दृष्टि से विश्वव्यापक है। लोक व्यवहार का ऐसा कोई अंग नहीं जिसका समावेश नाट्य कला में न होता हो। वेद इतिहास तथा आख्यान आदि के आधार पर लौकिक व्यवहार का साभिनय प्रस्तुतिकरण इसका लक्ष्य है और गीत वाद्य तथा नृत्य का उद्देश्य केवल इसकी रंजकता को बढ़ाना है। नाट्य गृह की रचना तथा रंग पूजा आदि विधि विधान नाट्य के इसी व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। नाट्य शास्त्र के कुछ बताए गए स्थानों पर नाट्य संज्ञा का प्रयोग रूपक प्रकारों के लिए किया गया पाया जाता है। इस संबंध में भरत के कुछ वचन सुनिए। एक
चतुर्थाध्याय के प्रारंभ में त्रिपुर दाह नामक डिम रूपक में नट के नाम से संबोधित किया गया है। पूर्वरंगे कृते पूर्वम तत्रायम द्विजसत्तमः तथा त्रिपुरदाहश्च डिमसंज्ञः प्रयोजितः। ततो भूतगणा हृष्टा कर्मभावानुकीर्तिनाम् महादेवश्च सुप्रीतः पितामह मथ ब्रवीत। अहो नाट्यमिदं सम्यक् त्वया सृष्टुं महामते। दो, बीसवें अध्याय के आरंभ में नाट्य का प्रयोग स्पष्टतः दश रूप के लिए किया गया है। नाटकम सप्रकरणम मंके व्यायोग एव च भाणः सम वकारश्च वीथि प्रहसनम डिम इहामृगम च विज्ञेयम दशमम नाट्य लक्षणम। नाट्य शब्द की विशाल व्याप्ति के बोधक अनेक प्रमाण नाट्य शास्त्र में पाए जाते हैं, जिनसे भरत प्रणीत नाट्य कल्पना के संबंध में निसंदिग्ध कल्पना हो सकती है। इनमें से कुछ ही इस प्रकार उद्धृत किए जा सकते हैं। एक, चतुर्विद्धश्चैव भवे नाट्य अस्य अभिनयो द्विजाः। पेज 279। दो, अंगोपांग रसेर भावा स्थै तथा नाट्यम प्रयोजयति। तीन, वेदा अध्यात्मक पदार्थेषु प्रायः नाट्यम प्रतिष्ठितम्। चार, व्यक्त दोषोनुरागी च सनाट्य प्रेक्षकः स्मृतः। पांच, गीतवादित्र भूयिष्ठम प्रदोषे नाट्यमिष्यते। छे, कुतपौ नाट्य योगेत्र नाना देश समाश्रयः। सात, एवं गानम च नाट्यम च वाद्यम च विविधाश्रयम् अलातचक्र प्रतिमं कर्तव्यं नाट्ययोक्तृभिः। आठ, एवमेव विना गानं नाट्यं रागं न गच्छति। नौ, शय्या हि नाट्यस्य वदन्ति गीतम्। दस, यादृशं यस्य यदरूपं प्रकटया तस्य तादृशं वयोवेशानुरूपेण प्रयुक्तं नाट्यकर्मणि। बताए गए इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भरत प्रणीत नाट्य का क्षेत्र गांधर्व से पृथक है तथा विशेषतः रूपकाभिनय को द्योतित करता है। भरत की इसी परंपरा का परिपालन परवर्ती ग्रंथकारों के द्वारा हुआ है। दशरूपकार धनंजय नाट्य तथा नृत्य के बीच विभेद बताते हुए नाट्य की व्यापक परिधि का संकेत करते हैं। उनके अनुसार नाट्य वह है जो वाक्यार्थ के अभिनय द्वारा रस सिद्धि में सहायक हो। पात्र अभिनय के कारण यही रूपक भी कहलाता है। संगीत रत्नाकरकार के अनुसार नाट्य अथवा त्रयत्रिक चतुर्विध अभिनय के माध्यम से विशिष्ट रस की निष्पत्ति में सहायक होता है। भरत के प्रसिद्ध टीकाकार अभिनव गुप्त के अनुसार नाट्य से तात्पर्य नटवर्ग के व्यवहार से है तथा नाट्य शास्त्र का प्रणयन इसी वर्ग के लिए है। नाट्यस्य नटवृत्तस्य शास्त्रम शासनो पायम ग्रंथम। भाव प्रकाशन के अनुसार नट का कर्म ही नाट्य कहलाता है। नटकम एवं नाट्यम स्यादिति नाट्य विदाम मतम। निष्कर्ष यह है कि नाट्य तथा गांधर्व दोनों का विभिन्न क्षेत्र है, यद्यपि दोनों की सीमाएं अवश्य मिलती जुलती हैं। नाट्य में गांधर्व का उतना ही अंश अभिष्ट है जो उसकी रस सिद्धि में सहायक हो, और इसी हद तक भरत ने उसका उपयोग स्वीकृत किया है। नाट्य शास्त्र में नाट्य का अंग रूप में विवरण प्राप्त है और गांधर्व का अंग रूप में। नाट्य में गांधर्व के अतिरिक्त नृत्य भूमिकाभिनय रंग विधान आदि अनेक विषयों का समावेश है और नाट्य का यही अर्थ भरत को अभिप्रेत है। इस दृष्टिकोण के आधार पर नाट्य शास्त्र मुख्यतः नाट्य की कृति मानी जा सकती है और गौण रूप से गांधर्व की। पेज 280।